बिग बॉस ओटीटी के घर से बाहर आ चुकी हैं आशिका भाटिया। जी हाँ दोस्तों, बिग बॉस के घर के अंदर आखिरकार कैसी रही जर्नी, इस बात को लेकर दोस्तों आपको बता दे, आशिका ने कई सारे खुलासे किए हैं। आशिका भाटिया घर के अंदर गई और घर के अंदर जाने के साथ ही वो यहाँ पर फेम ग्रुप का एक हिस्सा बन गई। फेम ग्रुप का हिस्सा होने पर आशिका ने काफी कुछ कहा। वहीं बीते वीकेंड का वार पर एल्विस को जो चीजें समझाई गई, इसके बारे में भी उन्होंने काफी कुछ कहा। वहीं वीकेंड का वार की बात करें दोस्तों, तो इस बार आशिका के साथ मनीषा भी नॉमिनेटेड थी और आशिका ये बात जानती है कि उन्हें ही घर से बेघर होना पड़ेगा। मनीषा की फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है और यही वजह है कि इस हफ्ते बेघर हो चुकी है आशिका भाटिया। अब बिग बॉस के घर से बाहर होने के साथ ही आशिका का ये मानना है कि फेम ग्रुप जो है वो काफी यूनिक और अलग ग्रुप है। घर के अंदर हालांकि उनकी कोई स्ट्रैटेजी नहीं थी कि वो किस तरीके से खेलेंगी, किस तरीके से अपने आप को आगे लेकर आएंगी, बस उनका ये मानना था कि वो घर के अंदर एक अलग प्लेयर होने वाली है जो कि किसी के पीठ पीछे कुछ करने वाली नहीं है और फालतू की लड़ाई नहीं करेंगी क्योंकि ये उनके नेचर में नहीं है। हालांकि घर के अंदर जिन मुद्दों पर उनको लगा कि उन्हें बात करनी चाहिए, उन्होंने खुलकर बात करने की कोशिश की। ऐसा नहीं है कि उन्होंने उसके बारे में कुछ कहा नहीं, लेकिन शायद बिग बॉस या फैंस को ऐसा लग नहीं रहा था कि वो इतनी ज्यादा खुलकर सामने आ रही है। आशिका भाटिया ने घर में आने के साथ ही ये चीज तो साफ कर दी थी कि वो साफ तौर पर फुकरा इंसान को सपोर्ट करने के लिए आई है, क्योंकि फुकरा इंसान घर के अंदर काफी करते हुए नजर आ रहे थे। अब इसी के साथ में आशिका भाटिया ने फेम ग्रुप के अंदर सबसे अलग और सबसे यूनिक फुकरा इंसान को ही बताया है और कहा है कि एल्विश और फुकरा यानी अभिषेक के अंदर से जीतने की प्रोबेबिलिटी दोनों में से नापी नहीं जा सकती, इन दोनों में से ही कोई एक विनर रहेगा, दोनों ही काफी अच्छा कर रहे हैं। वही एल्विश को डांट लगने पर भी आशिका भाटिया ने कहा कि एल्विश को जो डांट लगी उसका गिल्ट उसके मन में है और उसके बाद उसके दिमाग में ये चीज जरूर है कि उसे आगे ये चीजें नहीं करनी है। अब बिग बॉस के घर के अंदर आशिका भाटिया का ये नजरिया लोगों के सामने आ चुका है। वहीं सलमान खान के साथ वीकेंड का वार के दौरान इन बातों को लेकर आशिका भाटिया ने ये बात भी कही है कि फेम ग्रुप कभी नहीं टूटेगा, घर के अंदर था तो घर के बाहर भी रहेगा और एल्विश जो कि मुझे लगा था कि हमारी खूब लड़ाई होगी घर में जाने के बाद, तो यहाँ बिल्कुल अलग वो निकल कर आए और हमारी लड़ाई बिल्कुल भी नहीं हुई। इनफैक्ट हम बहुत अच्छे दोस्त बन गए क्योंकि हमारे व्यूज मैच करने लगे थे और वो बहुत फनी इंसान भी है यार, और उसका फनी होना बनता भी है भैया, जगह ही ऐसे से दिल्ली के लड़के फनी होते ही हैं। और इस पर आशिका भाटिया ने ये बातें कही हैं। वहीं शो को जीतने को लेकर आशिका कहती हैं कि शो तो वैसे मैं जीतने गई थी, लेकिन मुझे लगता है कि इन दोनों में से जो भी विनर रहेगा वो बिल्कुल भी ये चीज नहीं दर्शाएगा कि वो विनर है, क्योंकि हम सब इस गेम के अंदर एक साथ चले थे। हालांकि मेरी जर्नी यही खत्म हो गई, लेकिन अब जर्नी आगे बढ़ेगी। कमेंट करके अपनी राय बताएं कि आपका क्या कहना है इसको लेकर। बिग बॉस के और भी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें चैनल देखो देखो को।